खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुकुम शहर कोतवाल का। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। दिन था 9 अगस्त और साल था साल 2022, जिस दिन बिहार में सत्ता पलट गई। बिहार में राजद और जदयू मिलकर सरकार बना दी, भाजपा को दरकिनार कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ हाथ मिला लिए। डिप्टी सीएम बन गए तेजस्वी यादव और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। और तब से ही लगातार महागठबंधन की सरकार और आपको बताएं भाजपा लगातार एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करती नजर आ रही है, तंज कसती नजर आ रही है। एक मौका नहीं छोड़ते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हुए। आपको बताएं सम्राट चौधरी, जिन्हें बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि आपको बताएं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष थे और अब उन्हें पार्टी ने और एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है और उन्हें बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, जिन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वो एक बाकायदा एक ट्वीट करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके शासन यानी उन्हें सुशासन बाबू कहे जाने वाले और उनके शासन काल पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सवाल खड़ा करते हैं ट्वीट करके। क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर, नीतीश शासन काल पर सम्राट चौधरी सवाल खड़ा करते हैं, डिप्टी सीएम के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, ट्वीट करते हैं और किस तरह से हमलावर होते हैं अपने ट्वीट में, क्या कुछ लिखते हैं सम्राट चौधरी, हम आपको उनके इस ट्वीट को दिखाते हैं। भाजपा के सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को के ही अस्त्र से नीतीश सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया है। मुनादी कविता के जरिए बिजली बिल में बढ़ोतरी पर विरोध जताया है। उन्होंने लिखा है 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने धर्मवीर भारती की जिस प्रसिद्ध कविता मुनादी के जरिए लालू प्रसाद को घेरा था, आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने फेसबुक पोस्ट में उसी कविता के जरिए बिजली बिल में बढ़ोतरी के मुद्दे पर नीतीश सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। गौरतलब हो कि तब इसी कविता के जरिए नीतीश कुमार ने रेलवे का काया पलट करने का ढिंढोरा पीट रहे लालू प्रसाद यादव का नामकरण काया पलट जी कर दिया था। अब इसी कविता के जरिए सम्राट चौधरी ने सुशासन बाबू और जनता राज जैसे शब्दों का कटाक्षों की तरह प्रयोग कर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। कविता में थोड़े परिवर्तन के साथ बिजली बिल में बढ़ोतरी से आम जनता पर आने वाली कठिनाइयों का जिक्र करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लिखते हैं, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुकुम शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि अपनी गठरियों में छिपाई हुई गाढ़ी मेहनत की कमाई निकाल कर बाहर रख दे, घोट दे गला अपने अरमानों का और दफन कर दे अपने बच्चों के भविष्य को, क्योंकि सुशासन बाबू के कारिंदे निकल पड़े हैं बिजली बिल के नाम पर छिनने आपके सुनहरे भविष्य के लिए बचाए जा रहे पैसों को। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कविता में मंत्रियों की बड़ी तनख्वाह और नीतीश सरकार द्वारा खरीदे जा रहे जेट का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, बात मंत्रियों की बड़ी तनख्वाह का, बात चच्चा भतीजा के ऐशो आराम की है, बात उनके खरीदे जा रहे उड़न खटोले की है, ऐसे में जनता राज में सरकार को आपकी जेब कतरने का हक क्यों नहीं। कविता में आगे नीतीश सरकार के सुशासन पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी लिखते हैं, कुशासन की लालटेन थामे दुशासनों से भरी सुशासन की गाड़ी आती हुई होगी, पीएम बनने की हसरतों में आपको जबरन दांत दिखाते देना ही होगा, अपना योगदान आखिर बात बादशाह के रसूख की है। जनता राज में उम्मीदों का जनाजा निकलते हुए देखिए खामोशी से, मुंह पर उंगली रखिए चुपचाप। नीतीश सरकार पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस कविता पर वार करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर भाजपा बिजली बिल की बढ़ोतरी के मुद्दों पर चुप बैठने वाली नहीं है और सम्राट चौधरी अभी से ही जो कि उन्हें नया जिम्मेदारी सौंपा गया है, भाजपा उनके ऊपर बड़ा भरोसा जता करके उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाई है और आज नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए, बढ़े हुए बिजली दामों पर सवाल खड़ा करते हुए, सुशासन सरकार पर, नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए देखिए क्या पोस्ट सम्राट चौधरी ने लिखा है, किस तरह से कटाक्ष कसा है और तंज कसा। अब इस पर जदयू की तरफ से या आरजेडी की तरफ से अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो इसके साथ भी हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।